दोस्तों, आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि स्टारफिश जो है उसका शरीर में कोई ब्लड नहीं है, खून नहीं है। वो जो सी वाटर है उसे ही फिल्टर करके अपने शरीर में यूज़ करते हैं। पहले मैंने ही बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही क्यूरियस फैक्ट्स को, फिश रिलेटेड, मछली रिलेटेड। तो शायद आप सबको कुछ पता हो और कुछ नए जानने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि एक ही दिन में अगर सब फैक्ट आपको बताऊँ तो आपको शायद बोरिंग लग सकता है। तो वेलकम आप सबको इन माय चैनल क्यूरियस कौशिक। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो गोल्ड फिश है ये अपना आंख बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कोई आईलिड्स नहीं है। और एक ऐसा प्रजाति का स्टारफिश मिलता है जिसके पास 40 आर्म्स होते हैं। सोचो, यूजली 5, जिसके लिए उसका नाम पड़ा था स्टारफिश, और उसका है 40 आर्म्स। एक दुख की बात दोस्तों, हर दिन हजारों की मात्रा में समुंदर में या फिर नदियों में मछलियां मारे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो प्लास्टिक से बनाई हुई चीज़ें या प्लास्टिक बैग्स या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ निगल लेते हैं खाना समझ के, और वो मारा जाता है। पफर फिश के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये इसका जो जहर है इसके अंदर वो इतना डेडलीस्ट है, क्या बताऊँ। ये ऑलमोस्ट 1200 टाइम्स ज़्यादा डेडलीस्ट है साइनाइड से। अब तो अंदाज लगा सकते हो कि कितना जहरीला है इसका वेनम, कितना पॉइजनस है ये। और यहाँ तक कि एक मछली में एट ए टाइम इतना जहर होता है कि ये 30 लोगों को मार सकता है। इट कैन किल 30 पीपल, कैन यू इमेजिन। और पता है, बहुत सारे ऐसे मछली के प्रजातियाँ है जो बड़े होने के साथ साथ अपना सेक्स या जेंडर चेंज कर लेता है। मतलब कि जब वो जन्मा था शायद मेल था या फीमेल था, और जैसे उसका ग्रोथ होता चला गया वो धीरे धीरे मेल से फीमेल या फीमेल से मेल हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रजातियाँ हैं। डायनासोर के बारे में तो आप सबको बताया था कि कितने साल इसने राज किया था, पर फॉसिल से ये भी पता चला है कि फिश जो है, मछलियाँ, ये धरती पे आज से लगभग 530 मिलियन साल पहले से एग्जिस्ट करता है। मतलब कि दे आर ऑन अर्थ सिंस 530 मिलियन ईयर्स। गोल्डफिश जो है ये इतना प्यारा है, हम सब इसे घर में रखते हैं। पता है कि ये म्यूज़िक को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर एक ही म्यूज़िक को अलग अलग लोग कंपोज करें और उसे बजाया जाए तो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि कौन सा म्यूज़िक दूसरे म्यूज़िक से अलग है या नहीं है। अनोखा ताकत है इसमें। जो मगरमच्छ होते हैं या क्रोकोडाइल, आप सबको तो पता ही है कि ये इतना खूंखार होते हैं और कुछ भी खा लेता है। मतलब कि कोई भी जीव जंतु हो, मछली हो, कुछ भी हो, ये खा लेता है। पर इसे भी खाने वाला एक मछली है, आपको पता है इसके बारे में जी। ये है ग्वालियर फिश। ये मछली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्रोकोडाइल के, से खा जाता है। दोस्तों, एक और जानकारी कि दुनिया में जितने भी लिपस्टिक के ब्रांड्स हैं उनमें से लगभग 85% ब्रांड्स में मछलियों के आंस यूज़ होता है लिपस्टिक में, फिश स्केल। आपको पता था ये बात। गोल्ड फिश के बारे में बहुत सारी जानकारी तो दे सकता हूँ, आगे चल के और भी दूंगा। और एक बात कि अगर आप गोल्ड फिश को किसी डार्क प्लेस में रख दोगे कुछ दिनों के लिए, लंबे समय के लिए, तो उसका जो कलर है स्किन का, स्केल का कलर है, वो फेड हो जाएगा। एक कोई फिश है जिसका नाम था हैनाको, मैंने है नहीं था, वो लगभग 225 साल तक जिंदा रहा था। इतना लंबे समय तक वो जिंदा रहा। जितना पॉल्यूशन चारों तरफ बढ़ रहा है, मछलियाँ धीरे धीरे उसका स्मेल की पावर खो रहा है। जितना पॉल्यूशन में रहता है ना, कि समुंदर ले लो या फिर नदियाँ ले लो, जहाँ पर भी हो, या फिर तालाब ले लो छोटा मोटा,
जहाँ पर भी मछलियाँ हैं, अगर वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा रहेगी, पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा, तो मछलियाँ अपना स्मेलिंग पावर खो देता है, कम हो जाता है उसका, बहुत ज़्यादा घट जाता है। आपको अगर पूछा जाए कि मछलियों कौन से कैटेगरी में आप रखोगे, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल, तो डेफिनेटली आप सब कहोगे कि ये कोल्ड ब्लडेड है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। मगर मूनफिश एक अकेला मछली है, मछली के स्पीसीज कह सकते हो आप, अकेला जिसका ब्लड गर्म होता है, उसका खून गर्म होता है, ओनली वार्म ब्लडेड फिश। आपको ये बात पता था? अब जाते जाते एक मज़े की फैक्ट, हीरिंग्स एक ऐसी स्पीसीज है मछलियों की जो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं आपको पता है? वो एक दूसरे से बात करते हैं फार्ट के जरिए, दे फार्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ऐसा भी होता है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, पार्ट वन था ये। आगे चल के और भी जितने मुझे मिलेंगे इसके बारे में, तो वो अगले अगले जितने भी पार्ट्स आएंगे तो मैं जोड़ता जाऊँगा और आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, छोटा सा वीडियो था, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को, ताकि जितने भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और उसके लिए बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड आपका अच्छा बीते, और टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों।